सिर्फ नाम की वॉल्वो, सड़क पर दौड़ रही है रोडवेज की खटारा बसें। दरअसल जयपुर से कुछ दूरी पर निकलते ही वॉल्वो खराब हुई। टोल प्लाजा के पास राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो खराब हुई है। करीब एक घंटे से डेढ़ घंटे से यात्री परेशान हो रहे हैं। एक से डेढ़ घंटा हो गया है, लेकिन यात्री बेहद परेशान हैं। बस में है अजमेर आने वाले कई यात्री। रोडवेज प्रशासन नहीं कर रहा है कोई सुनवाई इस पर। कोई दूसरी बस को भी नहीं बुलाया गया है मौके पर। आप सोचिए कि अचानक से इस तरीके से बस अगर खराब हो जाए और कोई सुनने वाला ही नहीं है तो यात्रियों का क्या हाल हो रहा होगा। यात्री इस उम्मीद में बैठे होंगे कि कब ये बस ठीक हो, कब जाकर हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ नाम की वॉल्वो है, लेकिन रोडवेज जैसी खटारा ये नजर आ रही है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। शिवेंद्र, वॉल्वो को कोई इसलिए ही बुक कराता है, उसमें सफर इसलिए करता है कि सुविधाएं बेहतर मिलेगी और सीधे जल्दी गंतव्य तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर रोडवेज जैसी हालत होगी तो भाई सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। ऐसा हो क्यों रहा है शिवेंद्र? क्या मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है या फिर प्रबंधन में कुछ कमी आ रही है? देखिए, हम तो लगातार जो रोडवेज की खामियां हैं दीपिका, वो कई दिनों से अपने टेलीविजन पर फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं जी। क्योंकि वाकई राजस्थान रोडवेज ऐसे लग रहा है कि भगवान के भरोसे हैं। जो रोडवेज की वॉल्वो बस सेवा है वो प्रीमियम बस सेवा है, यानी कि आम सवारी से बढ़ के जो लोग अधिक किराया देना चाहते हैं और कंफर्टेबल यात्रा करना चाहते हैं वो लोग सफर करते हैं। लेकिन आप देखिए कि वॉल्वो की जो हालत है वो खटारा और कबाड़ा बसों की तरह हो गई है। अजमेर के लिए जो निकली थी वॉल्वो, हो सकता है जोधपुर भी जा रही हो, अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली कि जा कहाँ तक रही थी, लेकिन अजमेर की कई सवारी इस बस में थी और जयपुर से निकलते ही एक टोल के पास बस खराब हो गई। हंगामा हुआ खूब सारा, अभी भी यात्री परेशान है, लेकिन रोडवेज मुख्यालय ने अभी तक यात्रियों की सुर नहीं ली है कि किन कैसे इनको दूसरी बस में हम शिफ्ट करें, कैसे इनको पहुंचाया जाए। और ये हालत अगर वॉल्वो बसों की है तो नॉर्मल बसें चलती हैं उनका तो आप सोचिए गाँवों में क्या हालत है। और बिल्कुल दिन में कम से कम आप मान के चलिए कि दो दर्जन से अधिक बसें रोडवेज की ब्रेक डाउन होती है, कोई दड़ी दौड़ी नहीं है। और मैं तो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जो रोडवेज के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो रोडवेज की सीएमडी हो श्रेया गोवा, चाहे वो रोडवेज की ईडीटी हो ज्योति पांडे, इन सभी अधिकारियों को ये कहूंगा कि वो खुद रोडवेज की बसों में कभी यात्रा करें। जब वो जाते हैं अलग अलग जिलों में और अलग टूर पे तो अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़ें, रोडवेज की बसों में बैठकर जाएं, तब उनको शायद पता चले कि जो आम पब्लिक है वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है उनकी बसों में। किराया देने के बाद भी आपकी बस की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब ब्रेक डाउन हो जाए, कहाँ ब्रेक डाउन हो जाए, कोई दूसरा प्लान नहीं है कि आप उन यात्रियों को उनके गंतव्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो रोडवेज की हालत बहुत खराब है और बहुत जल्दी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना जैसे तो साख कम हो गई है रोडवेज की, जो पहले वाली साख थी वो रही नहीं है, लेकिन अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्ची कुछ ही साख भी खत्म हो जाएगी, लोग डरेंगे वॉल्वो की बसों में बैठने में। बिल्कुल, और इतना विभाग को भी कहीं ना कहीं से नुकसान ही है, क्योंकि मैसेज यात्रियों में गलत ही जाएगा कि इस तरीके से अगर सुविधाएं मिलेंगी सुविधाओं के नाम पर, असुविधा अगर यात्रियों को होती है तो दिक्कत भी बढ़ेगी और मैसेज भी गलत जाएगा। लेकिन शिवेंद्र, बेहद अहम ये भी हो जाता है कि ऐसा हो क्यों रहा है बार बार, कमी कहाँ पर नजर आती है? देखिए, दो कमी है बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में मैं समझाता हूँ दर्शकों को, कमी क्या है। सबसे बड़ी कमी तो है मॉनिटरिंग की। मान लीजिए आज जब बसें निकली सिंधी कैंप से रवाना हुई जी, तो वहां पर कौन ड्यूटी ऑफिसर था, क्या उसने ये चेक करने की कोशिश की कि क्या ये बस चलने योग्य है कि नहीं है, क्योंकि वो बस जब उसे कुछ किलोमीटर बाद जाके खड़ी हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। दूसरी कमी है मेंटेनेंस की। दुनिया भर का पैसा उठाया जा रहा है वॉल्वो बसों के नाम पे, चाहे इतने लोगों की बसें रोडवेज में चल रही हैं, और ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये भी नहीं है कि जो सेटिंग ऑफिसर है वही इसके लिए जिम्मेदार है, ये काफी दिनों से है रोडवेज में, इसीलिए रोडवेज घाटे में है, क्योंकि रोडवेज की समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश कोई रोडवेज के अधिकारी नहीं करते, मौजूदा अधिकारी भी नहीं कर रहे। बिल्कुल शिवेंद्र, सही कह रहे हैं आप। घाटे का एक कारण ये भी है कि जब मेंटेनेंस नहीं होगा, सुविधाएं यात्रियों को नहीं मिलेगी बेहतर, तो यहाँ पर जो यात्रियों का रुख है वो भी कम देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका।